बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद असद, तमाम सऊदी अरबिया से और मेरे व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप भी खुशबाश होंगे। जिस तरह के हमें कमेंट करते हैं हमारे दोस्त और भाई जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जो सऊदी अरबिया से बाहर दूसरी कंट्री मौजूद हैं, वो सोचते हैं कि अलमराई कंपनी के अंदर वैकेंसीज पाकिस्तान में आई हुई हैं या नहीं आई हुई। इसके ऊपर हम अपने भाइयों के साथ एक्सप्लेन करेंगे और आप बताना चाहेंगे कि सऊदी अरबिया के अंदर इस वक्त अलमराई कंपनी के वीजे पाकिस्तान में गए हैं या नहीं गए हैं। अगर गए भी हैं तो पाकिस्तान में कहां जाती हैं, ये हम आज के इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिए। हमारे दोस्तों और भाइयों, हम ऐसा नहीं कि ट्रैवल एजेंसी वाले जिस तरह के एक अपना कार्ड छुपाते हैं और अखबार पर देते हैं, जी इतनी सैलरी है, जी इतने मेंस की ज़रूरत है, इतनी वुमेंस की ज़रूरत है, अलमराई कंपनी में ऐसी इतनी सैलरी मिलती है, जितनी वो बताई जाती है 3000 यानी 3600 रियाल, 3200 रियाल दूध पैकिंग की, दही पैकिंग की, और यही काम है, इसके अलावा कोई और काम नहीं है, या वहाँ पर गार्ड की नौकरी मिलेगी। ये भाई जान ऐसा कुछ भी नहीं है, इतनी सैलरी नहीं होती। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ, हमारे पास इस वक्त तक अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि पाकिस्तान में अभी वीज़े गए हैं या नहीं गए। अगर जैसे भी जाएंगे तो हम इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाकर आपके साथ ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे, ज़रूर शेयर करेंगे। और यहाँ पर भी आपके साथ अलमराई कंपनी में जो भाई काम करते हैं उनके साथ भी बात करके शेयर कर देंगे कि पाकिस्तान में अगर जाते हैं तो कहाँ वीज़े जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान की मरी रोड के ऊपर ट्रैवल एजेंसी पर वीज़े जाते हैं, इसके अलावा पाकिस्तान में किसी भी ट्रैवल एजेंसी के ऊपर अलमराई कंपनी के वीज़े नहीं जा रहे थे। ये गुज़िश्ता दिनों की बात कर रहा हूँ, आने वाले दिनों में कैसे हालात होंगे, किस जगह पर जाएंगे, हम इंशाल्लाह वो वीडियो बनाकर आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर जानना चाहते हैं, वीज़ा इंफॉर्मेशन, मेंस एंड गर्ल्स अगर आना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, हम इंशाल्लाह उसके ऊपर एक्सप्लेन करेंगे और आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे वीडियो बनाकर। और अपने दोस्त पाकिस्तानी भाइयों को ये कहते चले, हम किसी भी तरीके से फ्रॉड वाले लोगों से बचें। अगर आपने वीज़ा लेना हो तो ज़रूर जो सऊदी अरबिया के अंदर मौजूद होता है भाई, आपका दोस्त, कोई भी आपका जानने वाला हो तो उससे ज़रूर कंफर्म कर लिया करें कि हमने सऊदी अरबिया का वीज़ा लेना है, ये इस काम में कहा जा रहा है, इतनी सैलरी हमको बताई जाती है, क्या वाकई ये सही है या नहीं है। आओ, उस भाई का एक दिन जाएगा लेकिन आपका कोई नुकसान नहीं होगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।